हेलो फ्रेंड, मैं सरिता अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। और आज मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार सी रेसिपी लेके आई हूं, जो कि आगरा का फेमस पेठा रेसिपी है। इसे बनाना भी बहुत आसान है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। पेठा रेसिपी बनाने के लिए देखिए, हमें ये चाहिए। इसे हमारे यहाँ कुम्हर कहा जाता है, कहीं इसे सफेद कद्दू भी कहा जाता है। आपके यहाँ इसे किस नाम से बुलाया जाता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो सबसे पहले इसके हम पीसेस काट लेते हैं, मोटे मोटे पीसेस काटेंगे ठीक इस तरह से। बड़े बड़े टुकड़ों में हम इसे पहले काट लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने काट लिया। अब इसका छिलका हमें उतारना है। इसका छिलका थोड़ा हार्ड होता है, इसलिए आराम से उतारिएगा। हाथ में न लगे इस चीज को ध्यान में रखते हुए। और ये आगे का बीजा वाला जो पार्ट है, इसे भी थोड़ा हम काट के हटा देंगे। सारे कुम्हर का मैंने छिलका उतार लिया है और अच्छे से आगे का बीजा भी पूरा निकाल लिया। इसी तरह से हमें करना है और पतले पतले लंबे टुकड़ों में मैंने काट लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो हमें करना है, इस तरह के बड़े भगोने में हम पानी ले लेंगे। ये देखिए, ये चूना है, खाने वाला चूना जो पान में लगा के खाया जाता है, वो चूना है। इस पानी में इस चूने को हम इस तरह से घोल देंगे अच्छे से। हाथों से आप घोल लीजिएगा, ताकि जो गांठे वगैरह हो वो एकदम अच्छे से मिल जाए पानी में। इसके बाद इसे आधे घंटे के लिए इस पानी को ऐसे ही हम छोड़ देंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा चूना होगा वो नीचे बैठ जाएगा और पानी एकदम साफ हो जाएगा। आधा घंटा हो जाने के बाद देखिए, पानी कितने अच्छे से साफ हो गया और जो भी चूना था वो नीचे बैठ गया है। तो इसे हम एक प्लास्टिक के बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। और ये देखिए, ऊपर का पानी हम निकाल लेंगे। अगर थोड़ा सा चूना जाए तो कोई बात नहीं। अब इसे हमने जो काट के रखा था, इसमें एक फॉर्क की मदद से इस तरह से छेद कर देंगे चारों साइड से। आराम से कीजिएगा, ताकि हाथों में ना लग जाए। इसी तरह से सारे कुम्हर में हम छेद कर देते हैं। अब इस पानी में हम जो ये वाला हमने काट के रखा था, इसे डिप करके 10 से 12 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड, 10 घंटे हो चुके हैं। 10 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये काफी टाइट हो चुका है, इसीलिए इसे चूना पानी में दिया जाता है, ताकि ये एकदम टाइट हो जाए। इसका पानी है, जो एक्स्ट्रा पानी है उसे इस तरह से हम निचोड़ लेंगे, सब निकाल लेंगे इस तरह से हम। इसे वो अच्छे से वॉश करके साफ पानी मैंने भर लिया है। अब इसमें इसे एक बार हम वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ज्यादा छोटा टुकड़ा नहीं रहेगा, इतना बड़ा। ये देखिए, इस तरह से सारे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। ढक के इसे साइड में रखेंगे। अब हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए देखिए, इस तरह से बड़े मुंह वाला मैंने कढ़ाई ले लिया है। इसके लिए चाशनी काफी गाढ़ी बनती है। एक किलो कुम्हर था, एक किलो कुम्हर में हम करीब 350 ग्राम चीनी डालेंगे। ये एक कटोरी है, इस कटोरी से हम 1.5 कटोरी चीनी डालेंगे। इसके बाद इसी कटोरी से आधा कटोरी करीब हम पानी ले लेंगे, ताकि बस चीनी अच्छे से भींग जाए। इसमें ज्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है और इसे अच्छे से हम मेल्ट होने देते हैं चीनी को। जब चाशनी में इस तरह से देखिए उबाल आ जाए, इसमें हम फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाल रहे हैं।
इसे मिला लेंगे हम। और ये देखिए, ये काफी ठीक चाशनी हमने बनाया है, एकदम गाढ़ी चाशनी ये बन रही है, ऐसा ही हमें चाहिए। तो इसमें से हम आधा चाशनी निकाल लेंगे, इस तरह से चमचे से निकाल लीजिएगा चाशनी आप, क्योंकि हम दो कलर में बनाने वाले हैं, इसलिए आप चाहे अगर एक ही कलर में आप बना रहे हो तो निकालने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए इस तरह से मैंने हाफ हाफ डिवाइड कर दिया है। पानी में से निकाल के जो कुम्हर रखा था हमने, इसे भी इसमें हम डाल देंगे, आधा इसमें डालेंगे और आधा दूसरे कलर में हम डालने वाले हैं। डालने के बाद ऐसे हम मिला लेंगे और गैस का फ्लेम हम फुल कर देंगे। फुल करने के बाद 3 से 4 मिनट इसे हम इस तरह से पकाएंगे ताकि चाशनी एकदम अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले ये पेठा और काफी टेस्टी और रसीली बने। जब 5 मिनट हो जाए इसे अच्छे से पक के चारों, इसके बाद इसे हम इस तरह के छन्नी से निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा चाशनी होगा वो नीचे कढ़ाई में रह जाएगा। और ये हमारा पेठा बहुत ही मजेदार बनके तैयार हो चुका है। इसे इस तरह से हम थाली में रख लेंगे। अब इस बचे हुए चाशनी में हम जो ये चाशनी अलग से निकाल के रखा था ये डाल देंगे, क्योंकि हमें दूसरे कलर का भी चाशनी बनाना है। इसलिए इसके बाद इसमें 1 पिंच हम फूड कलर डाल देंगे। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे नहीं भी डाल सकते हैं। और इस तरह से हम मिला लेंगे। जब इस तरह से उबाल होने लगे इसमें तो ये वाला हम डाल देंगे। डालने के बाद 5 से 7 मिनट तक इसे इस तरह से हम पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से अंदर तक चाशनी डूब जाए इसमें भी। ये देखिए फ्रेंड, ये भी एकदम ठीक हो चुका है, अच्छे से पूरा रस अंदर में जा चुका है ये। इसके बाद इसे भी हम निकाल लेंगे। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और ये जो चाशनी बचा हुआ है ये चाशनी हम ऊपर से डाल देंगे इसमें, ताकि ये सूखने के बाद एकदम अच्छे से ऊपर में चाशनी का लेयर बन जाए। इसे आप चाहे तो धूप में भी सुखा सकते हैं 3 से 4 घंटे, या फिर पंखे के नीचे भी भर इसे छोड़ देने से सूख जाता है। इसे धूप में सुखाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, एक दिन पूरे दिन हमने अच्छे धूप में लगाया पेठा को, जिसके वजह से ये देखिए कितना एकदम खनखन हो गया है, अच्छी तरह से ये सूख चुका है। ऊपर से ये पूरी तरह से सूख चुका है और अंदर से देखिए कितना ज्यादा जूसी है। ये देखिए ठीक इसी तरह से हमें चाहिए। ये व्हाइट वाला भी मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए बहुत ज्यादा जूसी है। ये देखिए फ्रेंड, हमारा आगरा का फेमस पेठा बनके तैयार है। तो फ्रेंड आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखें फ्रेंड। ओके, थैंक यू।